Hello friends, welcome to Kalsi Has Trade. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a canny woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. So dosto, aaj ka presentation hai, Employed 38 by IIM Buildcon Developer at Goregaon East. So let's begin with the presentation. Aur dosto, ye elevation hai building ka, jo ke naam hai Employed 38 और डेवलपर है IIM Buildcon। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो प्लॉट है ये लेस देन 1 एकर का प्लॉट है और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक बेसमेंट लेवल पार्किंग दिया हुआ है, ग्राउंड लेवल है, उसके बाद 3 लेवल पोडियम पार्किंग दिया हुआ है और उसके ऊपर 35 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो आप देखेंगे काफ़ी स्लीक टावर है, वेल डिज़ाइन टावर है और हर एक फ्लैट के साथ पार्किंग दिया हुआ है, प्लस एमिनिटीज़ भी दिया हुआ है, जो कि कुछ एमिनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पर होगा, कुछ एमिनिटीज़ पोडियम लेवल के ऊपर होगा और कुछ एमिनिटीज़ रूफ टॉप के ऊपर होगा। तो बिल्डिंग का डिज़ाइन एलिवेशन आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, आउटर लुक भी आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया है। ये एक और एक एलिवेशन है दोस्तों, यहाँ से आपको और बिल्डिंग का जो लुक है आप देखने से आपको पता चलेगा, इट्स अ वेरी ग्लैमरस लुक। और ये सिंगल स्टैंड अलोन टावर है जिसमें 4 फ्लैट दिए हुए हैं हर एक फ्लोर के ऊपर, विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 BHK फ्लैट्स। अगर किसी को 3 BHK फ्लैट चाहिए तो जोड़ी बना सकते हैं 2 और 1 का। तो वेरी वेल डिज़ाइंड बिल्डिंग और जो ऊपर का रूफ टॉप भी यहाँ पर आप देखेंगे, इट्स अ वेरी शार्प लुक एंड इट्स अ रिच एंड रॉयल लुक ऑफ द बिल्डिंग। इवन द कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वाइट और यहाँ पर जो ब्लू शेड दिया हुआ है, मतलब समथिंग यूनिक, इट्स अ वेरी वेल डिज़ाइन बिल्डिंग। तो ये जो है बिल्डिंग का लुक है, काफ़ी ग्लैमरस लुक है। और पोडियम लेवल का पार्किंग आप देखेंगे, ये प्रोजेक्शन बाहर आया हुआ है इस तरफ और हाइट भी पार्किंग का काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड लेवल से अगर देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो 70 फीट हाइट से शुरू होता है। तो अगर कोई लोअर फ्लोर का भी अगर फ्लैट लेते हैं तो उनके सामने आसपास में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो दोस्तों, लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है, अगर आप गोरेगांव स्टेशन से अगर आप बाहर आते हो इस तरफ, जैसे ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आते हैं उसके पहले यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है इस लोकेशन पे। अगर आप अंधेरी से आते हो तो ओबरॉय मॉल के लिए जो सिग्नल है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे से आपको लेफ्ट लेना है। अगर आप बोरीवली से आएंगे तो आपको सिग्नल के नीचे से राइट लेना है। तो इसके सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे यहाँ पर ओबरॉय मॉल है, वेस्टर्न होटल है और ये जो रोड है ये फिल्म सिटी रोड को जाता है, जो कि आगे चलकर फिल्म सिटी रोड से ये एक टनल कनेक्ट होगा, एक कॉरिडोर कनेक्ट होगा जो कि मुलुंड के तरफ निकलेगा, जिसको हम लोग गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बोलते हैं, जो कि सीधा आपका मुलुंड के तरफ कनेक्ट होगा। तो यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस में सेंट्रल साइड भी जाना है तो आपको बिल्कुल सीधा इस रोड से जाना है, विद इन 15 मिनट्स यू विल रीच टू मुलुंड। तो Employed 38 के बाजू में आप देखेंगे यहाँ पर गोविंद नगर गार्डन है, अपर गोविंद नगर पार्क है, उसके बाद रेलवे स्टेशन इसके काफ़ी नज़दीक है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसके काफ़ी नज़दीक है और मेट्रो ट्रेन जो है बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पैरेलल चलती है। और ऑन द अदर साइड अगर आप आते हैं यहाँ पर इस तरफ तो ये है गोरेगांव स्टेशन, ये जो है यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, दिस इज फ्लाईओवर विच गोज टू वेस्ट साइड और ये जो है दिस इज गोरेगांव स्टेशन। फिर जैसे आप फ्लाईओवर क्रॉस करते हो तो यहाँ पर लिंक रोड पे आते हो तो यहाँ पर इन ऑर्बिट मॉल है, हाइपर सिटी मॉल है, इन्फिनिटी मॉल है, ये काफ़ी कमर्शियल जोन है यहाँ पर। और इस तरफ भी ओबरॉय मॉल है, फिर ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल है, रियान इंटरनेशनल स्कूल है। तो एरिया का आप इकोसिस्टम आप देखेंगे तो हर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स, मॉल्स, एवरीथिंग इज वेरी क्लोज बाय फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स Employed 38। USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे दोस्तों तो कम्यूटिंग वाइज अगर आप देखते हैं 5 से 30 मिनट के डिस्टेंस पे तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसके बिल्कुल करीब है, गोरेगांव रेलवे स्टेशन जो है हार्डली 5 to 7 मिनट्स का ड्राइव है, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड अगेन इट इज हार्डली 15 मिनट्स, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स। और एंटरटेनमेंट हब वाइज अगर आप देखेंगे जो कि 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वेस्टर्न जो बहुत ही करीब है उसके, ओबरॉय मॉल के एग्जैक्टली पीछे है,
फिल्म सिटी अगेन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ओलिव बिस्ट्रो, पीवीआर सिनेमा, आयोनिक्स सिनेमा, दीज आर ऑल विद इन 2 किलोमीटर। और मेडिकल फैसिलिटीज में दोस्तों आप देखेंगे तो लाइफ लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज 1 to 2 किलोमीटर, पब्लिकर हॉस्पिटल एंड ICCU इज अगेन 2 किलोमीटर, लाइफ लाइन मेडिकल हॉस्पिटल अगेन 1 to 2 किलोमीटर, सुविधा हॉस्पिटल एंड पॉलीक्लिनिक एंड गोकुलधाम मेडिकल सेंटर। सो दीज आर ऑल 1 and 2 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एप्लॉयड 38 बाय IIM बिल्डकॉन। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब आप बिल्कुल आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं इस एरिया से, यू हैव टू जस्ट जंप द फ्लाईओवर एंड गो टूवर्ड्स वेस्ट साइड। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाइज अगर आप देखेंगे तो ओबराय इंटरनेशनल स्कूल, रियान इंटरनेशनल स्कूल, विबगौर हाई स्कूल, यशोदाम हाई एंड जूनियर कॉलेज, पाटकर कॉलेज, विवेक विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज एंड सेंट पियर्स कॉलेज इज हार्डली 15 to 25 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। एंड इन शॉपिंग मॉल, ओबराय मॉल इज द क्लोजेस्ट, देन देयर इज सिटी सेंटर मॉल, इन ऑर्बिट मॉल एंड इन्फिनिटी मॉल एंड हाइपर सिटी विच इज ऑन द लिंक रोड। सो फ्रेंड्स, द इंटीरियर डिजाइनर हैज बीन डन बाय द फेमस डिजाइनर सुजैन खान एंड द आर्किटेक्ट डिजाइनिंग हैज बीन डन बाय हाफसा खान, अगेन द वन ऑफ द ब्रांड हाफसा खान। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, काफी बढ़िया एलिवेशन है और बिल्डिंग का लुक भी जो है काफी बढ़िया लुक है। और आसपास के सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे इट्स प्रॉपर इन द सिटी इन वेस्टर्न सबर्ब ऑफ मुंबई। तो यहाँ से आप बाय रोड, SP रोड से, लिंक रोड से, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कहीं भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, बाय ट्रेन से भी आप ट्रैवल कर सकते हो या मेट्रो, तो टू एंड फ्रो ऑल ओवर मुंबई से कनेक्ट हो रहा है, आप मेट्रो से आप इजीली कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप बाय रोड से, अगर आप कोस्टल रोड से ट्रैवल करना चाहते हो, अगर आप कुलाबा तक डिस्टेंस पे कोस्टल रोड से ट्रैवल करना चाहते हो तो भी आप लिंक रोड आके, आप जहाँ पर भी कोस्टल रोड का एग्जिट होगा वहाँ से कोस्टल रोड से आप कुलाबा तक आप ट्रैवल कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर आपको आउट ऑफ मुंबई अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। एक तो बोरीवली टनल जो होगा जो कि टीकू जिनीवाड़ी की तरफ निकलेगा और जैसी थाना की तरफ निकलता है तो वहाँ से आप कोई भी डायरेक्शन में आप आउट ऑफ मुंबई आप जा सकते हो। और दूसरा कॉरिडोर जो बन रहा है दैट इज गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड। तो अगर आप मुलुंड जाते हो फिर टू एंड फ्रो कहीं पर भी आप वहाँ से आउट ऑफ मुंबई के लिए आप जा सकते हो। और दूसरा, अगर आप बोरीवली की तरफ जाते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, अगर आप बोरीवली की तरफ जाते हो दहसर टोल लगा आप जैसे ही क्रॉस करते हो तो आप वापी अहमदाबाद की तरफ जाते हो। तो ये दोस्तों काफी बढ़िया ड्राइव वे है, आप देखेंगे बहुत ही लग्जरी फिनिश है इस कॉम्प्लेक्स का और ड्राइव वे भी काफी अच्छा दिया है विद डबल हाइट डॉबी एंट्रेंस विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरियाज और प्लेंटी ऑफ लाइटनिंग्स आर गिवन। शाम के वक्त जब लाइट जलेगी तो इट विल लुक मोर ग्लैमरस। और दोस्तों ये इमेज है डॉबी एंट्रेंस का, डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस, रिच एंड रॉयल लुक ऑफ द लॉबी एंट्रेंस। और दिस इज द रिसेप्शन कैबिन ओवर हियर। और यहाँ पर कुछ लॉबी में सिट आउट्स एरिया दिया हुआ है जिसपे दोस्तों कुछ एमिनिटीज रूफ टॉप के ऊपर दिया हुआ है, कुछ एमिनिटीज पोडियम लेवल पार्किंग के ऊपर दिया हुआ है और कुछ एमिनिटीज ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है। तो अगर आप स्काई लॉन्च में आप देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द एमिनिटीज, यहाँ पर आप देखेंगे सिट आउट्स एरिया है। और दिस इज द इमेज ऑफ द क्लब हाउस, तो लाइब्रेरी दिया हुआ है, यहाँ पर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। फुल्ली इक्विप्ड जिमनेजियम है, पार्टी कॉर्नर, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया एंड सीनियर सिटीजन सिट आउट्स। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों ये लिविंग रूम का इमेज है, किचन का इमेज है, किचन में दोनों साइड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और जो भी फिटिंग्स होगा इस फ्लैट्स के अंदर राइट फ्रॉम द डोर लॉक टू फ्लोरिंग, वायरिंग, सीलिंग, किचन सिंक एंड डैडो टाइल्स, टैप्स, CP एंड सैनिटरी फिटिंग्स इन द वॉशरूम, एवरीथिंग विल बी branded quality fittings will be given in this। तो बाथरूम का भी दोस्तों आप इमेज यहाँ पर आप देखेंगे जो CP sanitary fittings है और जो यहाँ पर टाइल्स वगैरह दिया हुआ एंटी स्किड टाइल है, तो काफी लग्जरी क्वालिटी फिटिंग्स और ब्रांडेड फिटिंग्स दिया हुआ है इसके अंदर। और विंडोज आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडोज दिया हुआ है जो कि वॉल टू वॉल एंड फ्रेंच कट विंडोज है ताकि आपको सिटी का व्यू जो है वो काफी खुला व्यू मिले और एट द सेम टाइम ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन फ्लैट के अंदर रहेगा।
तो दोस्तों ये फ्लोर प्लान है बिल्डिंग का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 6 फ्लैट्स है हर एक फ्लोर के ऊपर, विथ 5 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेस, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK। सो 2 BHK इज 750 एंड 760 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 1.90 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। एंड 3 BHK कारपेट एरिया इज 1204, प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 3.20 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। उसका फ्लोर प्लान ब्रोशर में नहीं है, आप डेवलपर के ऑफिस पर देख सकते हैं। और 3 BHK में लार्जर साइज अगर आपको चाहिए विद डेक, तो 35th फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है, दैट इज 1338 कारपेट एरिया एंड प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 3.60 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और पोजीशन दोस्तों इस बिल्डिंग का जो है वो दिसंबर 2023 में है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों काफी ब्रांडेड कंपनी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें आप सुजैन खान, हाफसा इमरान खान, देन देयर इज अ कंसल्टिंग आर्किटेक्ट मेहुल कनाकिया, देयर इज अ लाइसेंस आर्किटेक्ट टू, ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट, पार्किंग कंसल्टेंट एंड चार्टर्ड सेवियर्स एंड मोर टू कम। These are again few of the companies जो कि branded company इस project के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों booking के लिए आप मुझे phone कर सकते हो 7400138561 and thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to this channel because sharing is caring and see you again with Vaibhav Developer, one more project very soon. Bye bye, take care.